अवैध खनन माफियों के खिलाफ ग्रामीणों का हल्ला बोल। सोनभद्र, सपा और बसपा के शासनकाल में खनन के घोटाले को लेकर सीबीआई का दुरुपयोग का आरोप झेल रही योगी सरकार की कानून व्यवस्था का खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। सोनभद्र अवैध खनन की राजधानी बन चुकी है। कौन थाना इलाके के बरहमौरी बालू साइट पर रोजगार को लेकर आज खनन माफिया और ग्रामीणों में जमकर क्या क्या हुआ ये ठेकेदार लोग कौन मर रहा है आपके साथ, कौन मारपीट किया आपके साथ? इस जिले में अवैध खनन लगातार होने की शिकायत जो मिल रही है, इस पे आवाज भी कई बार उठ चुकी है, लेकिन आवश्यक कार्रवाई पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब वहाँ पे मजदूरों ने रात में मना कर दिया तो क्यों जबरदस्ती वहाँ पे ठेकेदारों द्वारा किया गया? और तो और इस जिले में सोन नदी की धारा को मोड़कर जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, चाहे ब्रह्मोरी हो चाहे ठठरा हो, आप यही चुड़ारी के पास में देख लीजिए, वहां पे एसडीएम घोरावल ने अवैध खनन की पुष्टि की, लेकिन खान अधिकारी ने आज तक उस पर पेनाल्टी तक नहीं लगाया। और अब तक अवैध खनन के नाम पे जितनी आरसी भी जारी हुई है उसकी भी वसूली आज तक नहीं हुई। केवल इस जिले में अगर कोई दब रहा है, दबाया जा रहा है तो मजदूर को। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी ने तय किया है कि चाहे वो कितना भी बड़ा अवैध खनन करने वाला हो उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो जिला प्रशासन है, ये अधिकारियों का जो सिंडिकेट है, वो हमारी सरकार को बदनाम कर रहा है। इसकी पूर्णतया शिकायत की जाएगी और इन सबको बंद कराया जाएगा और मजदूरों को उनका रोजगार मिले उसका भी प्रयास किया जाएगा। जो ग्रामीण कह रहे हैं कि एक सांसद का नाम वहाँ के काम करने वाले ले रहे हैं कि सांसद की साइड है, हम गोली भी चला देंगे, कुछ भी कर लेंगे, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ग्रामीण रास्ता की जब बात कर रहे हैं, हमको भी काम मिले और मेरे खेत से न जाएं ट्रक वाले, तो इस पर क्यों ठेकेदार द्वारा इस तरह, क्या सांसद का बीजेपी इसमें क्या रोल होगा? देखिए, इसमें भाजपा का स्टैंड क्लियर है, भाजपा का कोई इसमें शामिल नहीं है, ये तय है। और दूसरी चीज, मजदूर अगर रास्ता की मांग कर रहे हैं तो उनको रास्ता मिलना चाहिए, और अगर काम की भी मांग कर रहे हैं तो उनको काम भी मिलना चाहिए, चाहे वो किसी की साइड हो, लेकिन किसी भी मजदूर का शोषण नहीं होना चाहिए। स्पष्ट रूप से अगर कोई मजदूर का शोषण करता है तो ये अवैध है, गलत है, और जिलाधिकारी महोदय को इसको बंद कराना चाहिए। बजे के करीब थाने को सूचना मिली कि ब्रह्मौरी बालू साइट के रोगाही चौराहे पर कुछ लोग बालू के ट्रकों को रोक रहे हैं। इस पर थानाध्यक्ष मौके पर करीब 8 बजे पहुंचे। वहां पर बालू साइट के ठेकेदारों और ग्रामवासियों में झड़प हो रही थी। इसी बीच दूसरे साइट से करीब 70-80 लोग उनके आवास की तरफ, जहां बालू साइट के ठेकेदार लोगों ने बनवाया था, वहां पर धावा बोल दिया, पथराव करने लगे और गाड़ियों को आग लगा दिया, जिसमें 3-4 पहिया वाहन और 5-2 पहिया वाहन जल गए हैं, 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें करीब 9 लोग घायल हुए हैं, दोनों तरफ से, ठेकेदार की तरफ से 7 लोग घायल हुए हैं और गांव वालों की तरफ से 2 लोगों का अभी तक मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। आगे तहरीर मिलती है तो उस हिसाब से कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई की जाए।